हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। मैं सारिका पवार। अभी हम आए हैं खेड़ा मस्तान, डिस्ट्रिक्ट शामली। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर हमारे बड़े मामा जी का गांव है ना। और ये देखिए उनका घर, गांव का घर है, कितना अच्छा घर है। ये यहाँ पे ये गोबर के कंडे बना के रखे हैं, सुखाए हैं। गोबर जो आता है भैंस का गोबर जो आता है उसका, उसके गोबर के कंडे बना रखे हैं, है ना। ये सूखे हुए हैं, इससे फिर चूल्हा जलता है ना। और देखिए कितने अच्छे गमलों में पौधे लगा रखे हैं। ये मरवे का पौधा है, ये एलोवेरा है। हाँ, ये एलोवेरा है और ये मरवे का पौधा है। ये अगर स्मेल लेंगे, हाँ, तो ये ऐसे थोड़ी सी पुदीने जैसी स्मेल है इसकी। और इसको ये पौधा, इसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि ये पौधा जहाँ पे है वहाँ पर स्नेक नहीं आ सकते बिल्कुल। और ये जो तुलसी जैसा ये जो दिख रहा है, जो हम कृष्ण भगवान को चढ़ाते हैं, इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रांग है। इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। हाँ जी, इसके पत्तों की चटनी बहुत टेस्टी बना, जैसे हम पुदीने की चटनी बनाते हैं ना, वैसे इसके पत्तों की भी चटनी बनाते। ये हमारी भाभी जी हैं और ये देखिए पराठे बना रही है, आलू के पराठे बना रही है, टेस्टी। हाँ जी, ये देखिए कैसे मस्त पराठे बना रही है भाभी जी हमारी। गरम गरम खाएंगे अभी हम। और ये देखिए सब लोग मस्त बैठे हैं धूप में और अभी सब नाश्ता करेंगे सुबह सुबह। गाइस यहाँ पे देखिए चूल्हा, ट्रेडिशनल चूल्हा। यहाँ पे खाना वाना पकाते, पानी वानी गर्म करते हैं, ट्रेडिशनल गैस आप इसे कह सकते हैं। और ये देखिए गाइस लकड़ी, ये चूल्हा जलाने के लिए बहुत काम में आती है। और बाकी दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए, और ये इनमें से छोटी छोटी सी लकड़ी निकाल लेते हैं और ये भी लकड़ी चूल्हा जलाने के काम आती है। बाकी पराठे, चाय और नींबू का अचार और आम का अचार। कैसे फटाफट पराठे बन रहे हैं देखिए। अभी भाभी जी कैसे बनाए पराठे, परात में ही हैं, उनको चकले की भी जरूरत नहीं है देखिए। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। फटाफट फटाफट बन रहे पराठे।